हाय एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी तलहा सिद्दीकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू सटल 2.0। आज की जो वीडियो है वो मुझे चूंकि रिक्वेस्ट आई थी सर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप एक गिग बना दें, तो मैंने आज ये फैसला किया कि आज हम इस वीडियो के अंदर फेसबुक एड्स के ऊपर एक गिग बनाएंगे कंप्लीट स्क्रैच से लेके एंड तक। आपने इस वीडियो को वॉच करना लाजमी है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं सिर्फ फाइबर पे बेचना सिखा रहा हूँ, उसके अलावा सिर्फ जो आपकी डिमांड है या आपको जो रिक्वायरमेंट है इस चैनल को देखने के बाद, वो सिर्फ इतनी है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अगर तो आपके पास स्किल है और अगर आप अपनी फाइबर जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके काफी ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो शायद ही आपको फाइबर के ऊपर शायद ना पता हो या किसी ने आपको नहीं बताई हो, तो लाजमी डू सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं चलता हूं अपने फाइबर के बायर अकाउंट के ऊपर। ये अकाउंट मेरा नहीं है, मैंने किसी बाजी से लिया हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर जो है मैं सारा काम काज कर रहा हूँ आजकल। तो अब यहाँ से माय बिजनेस गिग्स के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जो गिग बनानी है वो है फेसबुक एड्स की। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, सिर्फ फेसबुक एड्स नहीं आता। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है फेसबुक, तो हमारे पास जो कीवर्ड सजेशंस आ रहे हैं वो फेसबुक एड्स है, फेसबुक एड्स कैंपेन है, फेसबुक पेज क्रिएट है, फेसबुक वीडियो एड्स हैं, पेज मोनेटाइजेशन है। मैं चाहता हूँ, मुझे जो आसान है मैं फेसबुक वीडियो एड्स के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले और देखता हूँ यहाँ से जो फिल्टर है वो मैं लगाता हूँ बेस्ट सेलिंग के ऊपर। ठीक है, बेस्ट सेलिंग के ऊपर लगा दिया। अब मुझे देखना है कि कौन सा मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन है वो लोग जो मैं जिनसे कॉम्पीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको आपके कॉम्पिटिटर का पता है तो फिर आप फाइबर के ऊपर बिजनेस अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ मैं जाता हूँ तो देखो, पहली गिग मैंने रैंडम गोली और 109 क्यों आया है, क्योंकि मुझे कुछ फाइबर के जो टिप्स एंड ट्रिक्स है मुझे पता है। ऐसे ऐसे मैं अगर रैंडम भी क्लिक करता हूँ तो कोई ना कोई एक ऑर्डर निकल आता है। ठीक है, तो रैंडम ही क्लिक किया, कोई वो नहीं है, बस ये तजर्बे की बात है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको और जाऊँगा नीचे, और नीचे की तरफ जब मैं देखता हूँ मुझे एक और गिग नज़र आती है। और आप लोग देख रहे हो मैं कोई भी $30 वाली गिग नहीं खोल रहा। ठीक है, हाँ, तो अब देखो तजर्बा फिर से काम आ गया ना। देखो, $250 का बेसिक पैकेज है और बेसिक पैकेज के ऊपर उसने सारा काम किया हुआ है। 3 orders in queue है। ठीक है, 3 orders in queue हमारे लिए बेस्ट गिग है। जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो हमारे लिए, मतलब जितना हम लोग को चाह रहे थे, हमारे पास एक 3 orders in queue आ गया, 1 order in queue आ गया। अब हम एक और जाके देखेंगे या एक बंदे और को ढूंढेंगे जो कम से कम भी $100-$150 के दरमियान में कोई ना कोई अपनी सर्विस दे रहा होगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या उसकी वो चीज़ बिक्री है या नहीं बिक्री। ठीक है, अब देखो लोग $5-$10, मतलब यार कभी भी एक्सपर्टीज नहीं होती $5-$10 के अंदर। ठीक है, और ये गोरा भी समझता है, बस पाकिस्तानी नहीं समझते। अच्छा, अब ये $70 में एक भाई दे रहे हैं और मुझे पता था नहीं होंगे इसके ऊपर भी ऑर्डर। ठीक है, इसके ऊपर मुझे लगता है ऑर्डर्स होंगे। इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ, और आई गेस ये भी $25 में ही है, तो देखो इसके भी ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रही है कि ये जो गोरा है ना वो बात को समझता है। अच्छा, अब ये सर्विस ऑप्शन है, सेलर डिटेल्स हैं, बजट है, ये वो पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, अब हमारे पास अभी फिल वक्त जो है 2 ही आ गई हैं, तो हम 2 को ही लेके चलते हैं। अच्छा, अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस में शुरू करता हूँ। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो है गिग का टाइटल और गिग की कैटेगरी, सबसे पहली चीज़। ठीक है, अब मैं जाता हूँ गिग्स के ऊपर और एक नई गिग को क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ जी यहाँ पे मुझे 1 order in queue है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कितना है, 3 orders in queue। मैंने ये पहले से कंडीशन बताई थी कि जिसके 3 orders हों, 3 से जिसके कम हो उसको कॉपी करना फजूल है। जिसके 3 हो मिनिमम, वो कहते हैं ना ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 orders होने चाहिए, या तो 3 orders हो मिनिमम या फिर उससे ज्यादा हो। ठीक है, मेरे पास ये आ गया, मैं इसको जो है कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद और मैं ज़रा इसको देखता हूँ, ये हमारे पास 2 competitors हैं। ठीक है, तो आई विल क्रिएट शॉर्ट फेसबुक वीडियो एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। ठीक है, इसके बाद अब मैं देखता हूँ यहाँ पे वीडियो एनिमेशन, वीडियो एड्स और कमर्शियल पे बात हुई है, वीडियो एनिमेशन, वीडियो एड और कमर्शियल के ऊपर बात हुई है। नीचे देखो ऑलरेडी सजेस्टेड कैटेगरी आ गई, मुझे कोई लंबी करने की या कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किस उसके ऊपर कर रहे हैं, हम फेसबुक के ऊपर कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म हमने चूज़ कर लिया। एनिमेटेड करोगे, लाइव एक्शन करोगे, मोशन ग्राफिक करोगे, एनिमेटेड कर लें। वीडियो ओरिएंटेशन, वीडियो ओरिएंटेशन अगर वो हॉरिजॉन्टल चाहता है तब भी मिल जाएगी, वर्टिकल चाहता है तब भी मिल जाएगी। ठीक है, अब पॉजिटिव कीवर्ड्स, पॉजिटिव कीवर्ड्स हमारे पास क्या क्या होंगे, हम जाते हैं नीचे
और इसके टैग्स को पहले अब हम एनालाइज करते हैं कि टैग्स इसने क्या क्या डाले हैं। देखो जो चार टैग्स इसने डाले हुए हैं, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यही चार टैग्स यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये आ गया एक, ये आ गया दो, ये आ गया तीन और ये आ गया चार। ठीक है, चार टैग्स आ गए। अच्छा अब क्या करें सर, पांच टैग्स हैं। अब तुम्हारे पास क्या है, वन ऑर्डर इन क्यू है बंदा। ठीक है, मतलब ये भी एक पोटेंशियल लीड्स हैं, इसके पास पोटेंशियल लीड्स आ रही है, लेकिन काम बहुत दासू किस्म का इसने किया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर तुम कर सकते हो तो भाई इसके टैग्स कॉपी करना, वरना मैं सही बता रहा हूँ, अगर इसका कोई भी क्लाइंट तुम्हारे पास आया तो वो बहुत भारी बंदा होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा अब मेरे पास हैं चार टैग्स हो गए, एक मैं कोई भी टैग उठा लेता हूँ जैसे जो मिलता जुलता हो। देखो यूट्यूब वीडियो एड्स तो नहीं कर सकता, फेसबुक वीडियो एड्स है हमारे पास। ठीक है, फेसबुक वीडियो एड का हमने टैग डाला ही नहीं डाला, पहले हम देखते हैं फेसबुक वीडियो एड का टैग नहीं डाला हुआ, इस बंदे ने यूज़ किया हुआ है, विच मीन्स कि ये हमारे पास जो टैग था वो रेवलेंट टैग है और इसको हमें लाजमी इंक्लूड करना चाहिए। पास समझ में आ गई, मतलब दो कॉम्पिटिटर्स चूज़ किए, एक के पास एक ऑर्डर था, एक के पास तीन ऑर्डर थे, जिसके पास मैक्सिमम ऑर्डर थे उसके मैंने मैक्सिमम टैग्स कॉपी किए हैं। ठीक है, और जिसके पास एक ऑर्डर था क्योंकि उसने कीवर्ड रेवलेंट टारगेट किया होता तो हमने भी उस कीवर्ड को रेवलेंट टारगेट कर लिया, कॉपी पेस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो तुम लोगों ने सारी गिग बना ली, टाइटल बना लिया, कैटेगरी बना ली। ठीक है, अब तुम लोगों ने क्या जाना है, अब तुम लोगों ने एक अपने पास जो है नोटपैड खोलना है। ठीक है, और नोटपैड के ऊपर चीजों को लिस्ट डाउन करना है। क्या क्या लिस्ट डाउन करना है, आपने अपना टाइटल लिस्ट डाउन कर लिया। ठीक है, आई विल, आप पूरा एज इट इज लगा दोगे, आपने ये लिस्ट डाउन कर लिया। लिस्ट डाउन ये करने के बाद आपने जो टैग्स यूज किए हैं आपके पास ये भी होने चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइजिंग वीडियो के बाद ये आ गया, दूसरा ये आ गया फेसबुक एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल वीडियो, फेसबुक वीडियो है। ठीक है, तो ये कीवर्ड आप लोगों के पास आ गए। दूसरा हमारे पास एक और कीवर्ड है जो कि है प्लेटफॉर्म फेसबुक, प्लेटफॉर्म नहीं हो गया, प्लेटफॉर्म फेसबुक। ठीक है, तो ये एक बहुत जनरल निश है, मतलब जनरल कीवर्ड है, फेसबुक तो एक जनरल कीवर्ड है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रॉड निश कीवर्ड है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे पैकेज की ऑप्टिमाइजेशन। पैकेज की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, पहली अगर आपने एक घंटे की वीडियो देखी थी ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर तो मैंने उसमें कुछ बातें बताई थी, उसमें कीवर्ड मैनिपुलेशन यूज की थी। इस वक्त मैं कॉपी पेस्ट फॉर्मूला जो मैं पीछे 8 से 7 लेक्चर्स में पढ़ाता रहा हूँ उसी चीज़ को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँगा। कैसे कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरे पास 5 कीवर्ड्स हैं, 5 में से सबसे ज़्यादा जो रेवलेंट है जिसमें फेसबुक वीडियो एड, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा अगर मैं देखूँ तो सोशल मीडिया वीडियो, सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आ जाता है। अब मेरे पास है इंस्टाग्राम एड्स भी। ठीक है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम एड्स आ गया हमारे पास क्योंकि अभी हम पैकेजेस का नाम डाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा जी, अब यहाँ पे ये जाऊँगा फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम, अब फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम हो गया और एडवर्टाइजिंग वीडियो, एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजिंग वीडियो, बात समझ में आ गई, एडवर्टाइजिंग, चलो वीडियो नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, पैकेज का नाम आपने ठीक रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड भी खोल देता हूँ ताकि साथ साथ जो भी छोटा मोटा काम हो आपको साथ साथ वर्ड के ऊपर भी सिखाता रहूँ। ये इंस्टाग्राम एड्स, अब देखो इसको सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट वाले ही सारी ट्रिक्स कॉपी पेस्ट है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, यहाँ पे मैं गया ऊपर इरेजर के बराबर में एक ऑप्शन होता है सेंटेंस केस लोअर केस अपर केस, इसको अपर केस कर दिया। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, मान गए हो। ठीक है, ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया, इसको मैं गया यहाँ से कर दिया अपर केस, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे गया पेस्ट मार दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब पहले अगर आपने कोई मेरी गिग देखी होगी, अगर पता नहीं तो मुझे वो याद नहीं आ रही, रुको मैं तुम्हें गिग्स भी दिखाता हूँ। अच्छा अब मसला ये है कि यहाँ पे ना तुम लोग इस चीज़ को थोड़ा अच्छा बनाया करो, पैकेज इसके ऊपर ना थोड़ा सही से काम किया करो तो तुम्हें ना ज़रा पता चल जाएगा। इमोजी पीडिया है हमारे पास। ठीक है, अब इमोजी पीडिया जो वेबसाइट है वो ये आ गई। अब यहाँ पे ना मेरे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये चेक मार्क बटन है। ठीक है, मैं अक्सर इसको अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर रहा होता हूँ, आप लोग भी अगर करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते ना करो। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, पैकेज खुद से नहीं बनाना। ठीक है, इधर आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस शुरू हो जाता है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है जी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमें कहता है कि यहाँ पे एक बंदा $250 की मुझे 15 सेकंड की एड बना के दे रहा है, कॉन्टैक्ट अस फर्स्ट भी कह रहा है। क्यों उसने कहा है कि भाई, क्योंकि ताकि ब्रांड क्लियरेंस हो या उसका जो भी इशू हो वो क्लियर करते हैं। अच्छा
अब देखो कॉम्पिटिटर्स आपस में कॉम्पीट करते हैं इसी तरीके से, एक के पास तीन ऑर्डर है, एक के पास एक ऑर्डर है, ठीक है। अब ये जस्टिफाइबल कैसे है, क्या करा है उसने, देखो पैकेट डिस्क्रिप्शन को उसने थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं समझ आ रहा ना कैसा उसने टेक्स्ट ग्लिच किया हुआ है, सारा गंद मचाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपने क्लाइंट को इस बात पे फेवर देंगे, हमने देख लिया भाई 15 सेकंड वीडियो एड तो हर बंदा दे रहा है, ठीक है, तो हम भी वही देते थे 15 सेकंड वीडियो एड्स, हम भी दे रहे हैं भाई, ठीक है 15 सेकंड वीडियो एड। अच्छा इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूं, और मजे की बात अगर आप चाहते हो कि इस बंदे ने जो बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो बोल्ड माई टेक्स्ट एक और वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अगर जाओगे तो ये रहा बोल्ड टेक्स्ट जनरेटर, ठीक है। यहाँ से आप जाओ, यहाँ पे आप अपना जो है ये क्या कहते हैं, ये जो इस बंदे ने जो हरकत की हुई है वो ये है कि आप 15 सेकंड वीडियो ऐड को यहाँ पे गए, ऐड आ गया भाई, ऐड आ गया, शुक्र है, अच्छा ही आया। अच्छा यहाँ से आप गए, इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करके आप फिर से अपने गिग डिस्क्रिप्शन पे आते हो, पेज मारते हो, आपका टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ अच्छा अब वो क्या कह रहा है, 24/7 सपोर्ट भी दे रहा है, ठीक है, हम भी दे देते हैं भाई 24/7 सपोर्ट। और बताओ इसके बाद भाई हमारा तीसरा टिक मार्क है, तीसरा टिक मार्क हमें क्या कहता है, तीसरा टिक मार्क हमें कहता है स्क्रिप्ट राइटिंग वॉइस ओवर स्टॉक फुटेज, ठीक है, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड में क्या क्या है, इंक्लूडेड में ये है। अच्छा अब मैं जो हूँ जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इधर तुम्हारा अकाउंट बैन हो जाएगा, ठक करके बैन हो जाएगा, ठीक है। तुम लोगों ने पता क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है, कंट्रोल एक्स मारो, कंट्रोल वी मारो, बात क्लियर हो गई, कॉमा यूज करो, हाइफ़न ना यूज करो, कॉमा यूज करो, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्टॉक फुटेजेस है, ठीक है, स्टॉक फुटेजेस, बात समझ में आ गई। वंस आपने ये चीज चेंज कर दी, किसी भी एल्गोरिथम में यही होता है कि अगर किसी बंदे ने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कभी ब्लॉगिंग की होगी तो ब्लॉगिंग में भी ये होता था कि अगर आप किसी को, हम जब टेबल बनाते थे तो हर ब्लॉग जो है ना वो अपना टेबल रीऑर्डर करके रीस्ट्रक्चर करके उसको बनाता था, ताकि कल को कॉपीराइट को क्लेम ना कर सके कि इसने टेबल उठाया मेरी वेबसाइट से, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग ये हरकत करते थे ब्लॉगिंग की फील्ड में, तो इसी चीज को आप रेप्लीकेट कर रहे हो, ये फायदा होता है जब आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, मल्टीपल जगहों पे आपने काम किया होता है, तो ये फायदा होता है, ठीक है। फिर आपको सारी चीजें, तमाम चीजें आप एक जगह पे लगा सकते हो। अच्छा अब क्या होता है, ये तो चलो हमारे पास टू ऑर्डर्स इन क्यू हैं, अब पता नहीं ये भाई कौन है, चलो माशाल्लाह एक ऐसे ही मैंने देख लिया था किसी को, ठीक है। ये वैसे ये इसको मैं कॉपी कर रहा था, मेरे पास वन वाला भी है, टू वाला भी है, विच मीन्स कि अब हमारे पास अच्छे खासे कीवर्ड आ गए, तीन अगर मैंने कॉम्पिटिटर निकाल लिया, हमारे पास भरपूर कीवर्ड्स आ गए, ठीक है, जिनके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं। अच्छा अब हम देखेंगे जी स्टैंडर्ड के ऊपर भी उसने वही किया है, बस अब पता है क्या करो, जब तुम्हें पता लग गया हर बंदा यही कर रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्या फ़र्क आ रहा है, 30 का फर्क आ रहा है। अभी मैं तुम लोग वो करके दे देता हूँ, बोल्ड में टेक्स्ट को यहाँ पे हम कर देते हैं 30, कॉपी कर लेते हैं आउटपुट को, आउटपुट को कॉपी करेंगे तो फिर ये आएगा, ठीक है, वहां से जो कॉपी। अच्छा एक और चीज है, यहां से अगर कोई बंदा कॉपी करेगा, यहां से अगर कोई बंदा कॉपी करेगा तो हो सकता है कि वो बोल्ड ना कॉपी हो, ठीक है, तो आप लोगों ने जो ऊपर बटन दिया होता है इन्हीं के हिसाब से उसको कॉपी पेस्ट करना होता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों का ये हो चुका है सारा कुछ, आप लोगों ने बना दिया है, ठीक है। एक चीज मुझे लगता है कि हम शायद रह गए हैं प्रीमियम पे, हमारे पास $60 है, 60 सेकंड है सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ से 60 सेकंड कर देते हैं, कॉपी करते हैं, और ठीक है ये हो गया पहला तरीका। अच्छा अब इसका 60 सेकंड वीडियो ऐड आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया सबको आई गेस, मुझे तो लगता है कि आसानी है। डिलीवरी टाइम तुम जितना देना चाहो दे दो, वीडियो एडिटिंग भी देना चाहो दे दो, स्क्रिप्ट राइटिंग देना चाहो, नहीं स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करते हम, ठीक है। रिविजन्स मैं भाई मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ दो से ज़्यादा देने के, बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, ठीक है। रनिंग टाइम सेकंड्स भाई यहाँ पे 15 है, फिर उसके बाद 30 है, और फिर यहाँ पे 60 है, बात क्लियर हो गई होगी आई गेस। इसके बाद नंबर ऑफ लेंथ वेरिएशन, लेंथ वेरिएशन हमारी एक ही आनी है, ठीक है। ओरिएंटेशन तो मैं दो दे देते हैं, किसी को हॉरिजॉन्टल चाहिए होती है, किसी को वर्टिकल चाहिए होती है, ठीक है। शो प्रोडक्ट इमेजरी, इमेजरी चलो डाल देंगे, ठीक है। वॉइस ओवर हमने इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा अब क्या करना है,
वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग देखो हमारा कॉम्पिटिटर इंक्लूड कर रहा है, तो आपको लोगों को भी करनी पड़ेगी। अच्छा 250, 450, 700 ठीक है, मैं तो ये रख ही नहीं रहा ना, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटर आपने और मैंने देखा है, ठीक है, गोरे ने शायद ना देखा हो, तो गोरे के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरी गिग का है, तो मैं क्यों ये सोचूं कि यार गोरे ने उसकी गिग देखी है, बात समझ रहे हो, प्राइसिंग के ऊपर मैं क्यों सोचूं। तो ये 450, ये 550 और ये जो है 700 है, तो इसको हम कर देते हैं $800, ठीक है, वॉइस ओवर भी इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, और स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर कोई काम कर रहा है क्या, स्क्रिप्ट राइटिंग भी मिल रही है सबको, चलो ये लो। फिर अब देखो अब हुआ क्या है, सेम गिग कॉपी पेस्ट किए मैंने, लेकिन अपनी प्राइसिंग बढ़ा दी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गोरे के पास मेरी गिग जाएगी और किसी की जा ही नहीं रही, ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक अपने आप को तो कॉन्फिडेंट हमने शो करना है ना एट द एंड ऑफ द डे कि यार हम कॉन्फिडेंट है अपनी सर्विस के साथ। हम अगर 800 रुपए की बेच रहे हैं तो हो सकता है वो 250 की बेच रहे, हो सकता है उसमें कोई ना कोई मसला हो, ठीक है, तो ये जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होगा ना, तो कॉन्फिडेंस होगा या इफ यू आर कॉन्फिडेंट तो फिर आप ये कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर नहीं करो, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि यार जब हमारा कोई रिस्क ही नहीं है किसी चीज में, तो फिर भाई हम किसी मुगल खानदान से तो वैसे ही नहीं आए हुए, तो फिर बस फिर लगे रहो, करते रहो, कमाते रहो, ठीक है। अच्छा अब आ गया डिस्क्रिप्शन की बात, अब मैं अपना खोलता हूँ नोटपैड जहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स पहले लोगों को दिए थे, हर वीडियो में देता हूँ। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जब डिस्क्रिप्शन अगर हम लिखने में जाते हैं तो हमारे पास आता है क्विक कैची इंट्रो, क्विक कैची इंट्रो। इंट्रो आप चैट जीपीटी के ऊपर सेम कमांड देते हो, ठीक है, उससे पहले मैं अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करूंगा। यहां से मैंने सारा किया कॉपी, ये मैंने कर दिया कॉपी, कॉपी हो गया, ठीक है। अब क्विक कैची इंट्रो मैं आप लोगों को प्रूफ कर देता हूँ, चैट जीपीटी से आप लोग लिखवा लेना, पीछे जितनी भी वीडियोस मैंने की हैं उसके ऊपर मैंने तरीके बताए हुए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा नीड अ ग्रेट वीडियो फॉर आवर बिजनेस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया क्विक कैची इंट्रो। इसके बाद हमने क्या बनाना होता है, व्हाट इफ आई डोंट केयर। अच्छा वी हैव गॉट ऑल द स्टॉक फुटेजेस एंड इफेक्ट्स यू नीड टू क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग वीडियो, यू कैन बी प्राउड ऑफ आवर वर्क्स इंजीनियर टू सेल। ये कौन सी बात कर रहा है, वो कब बात, कौन सी बात की है इसने, ठीक है, किस चीज की बात की। अच्छा तुम लोगों ने इसके गिग डिस्क्रिप्शन में एक और चीज देखी होगी, कीवर्ड स्पैम बहुत किया हुआ, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम एड्स और वेबसाइट वीडियो, इसने कीवर्ड्स को स्पैम किया, ठीक है, तुमने इन्हीं को यूटिलाइज करना होता है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये तरीका गलत है, बात समझ रहे हो। ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है, आज नहीं तो कल ऑर्डर्स ड्रॉप भी हो जाएंगे, क्योंकि फाइबर के एल्गोरिथम को पता होता है कि आप उसको मिसयूज कर रहे हो, तो ये सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है, साफ पता लग रहा है उसने कीवर्ड्स डाले हुए, ठीक है। अब इसके बाद जी क्या करना है, अच्छा मेरे पास अभी इस वक्त चैट जीपीटी खुला हुआ नहीं है, तो मैं अनफॉर्चुनेटली खोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक अलग प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल, तो मुझे आज तुम लोग चैट जीपीटी अवॉइड करवा दो, उसके अलावा मैंने हमेशा तुम लोग को बताई दिया, तो आज चैट जीपीटी को हम स्किप करते हैं, और ये वाला तरीका जितना भी है, जितनी इस जो इसकी गलतियाँ हैं उसी के ऊपर मैं आप लोगों को बातें बता देता हूँ। वी हैव गॉट ऑल द स्टॉक फुटेज एंड इफेक्ट्स यू नीड टू क्रिएट एडवर्टाइजिंग। अच्छा ये उसने क्यों बोला, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि यार मेरे पास ये तमाम चीज़ें हैं जो तुम्हारे ब्रांड से रेजोनेट कर सकती हैं, वीडियो इफेक्ट्स भी हैं और स्टॉक फुटेजेस भी हैं, तो मतलब अगर स्टॉक फुटेजेस हैं और वीडियो इफेक्ट्स हैं तो मतलब मेरा एंड गोल अचीव हो रहा है, ठीक है, मुझे अपना फेसलेस जो मार्केटिंग है वो गोल अचीव हो रहा है, इसको हम कहते हैं मीडिया बाइंग, ठीक है। वी आर परफेक्शनिस्ट, अब उसने क्या कहा, वी आर परफेक्शनिस्ट प्लस वी आर हेयर टू सपोर्ट यू 24/7, ये आ गया वो इमोशनल अकाउंट, ठीक है, इमोशनल स्टेटमेंट कि एक तो हम हैं एक्सपर्ट, दूसरा वी आर हेयर टू सपोर्ट यू 24/7, बात क्लियर हो रही है, तो बिकॉज अर्जेंट प्रोजेक्ट नीड्स डोंट स्टिक टू अ शेड्यूल। अब ये जो उसने बात की ये आपने लंबी कर दी, ठीक है, ये आपने उड़ा दिया, यहाँ तक भी बहुत है, वी आर परफेक्शनिस्ट प्लस वी आर हेयर टू सपोर्ट यू 24/7। अच्छा अब ये जो बात आ रही है सर, ये होंगी गिग के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, जो कि मेरा है पॉइंट नंबर 3, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो गिग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास एक तो हाई क्वालिटी स्टॉक इमेजेस है, स्टॉक वीडियोज है, उसके बाद वॉइस ओवर मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद एडिटिंग भी मैं करके दे रहा हूँ, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट ना हो कोई चीज, कि आप किसी को 250 रुपए देते हो, पाकिस्तानी अगर हम बंदे हैं, पाकिस्तानी अगर सोच से सोचो, मैंने एक बंदे को 250 रुपए दिए, उसमें वॉइस ओवर भी करके दे रहा है, एडिटिंग भी करके दे रहा है, और मुझे वो कह रहा है स्टॉक फुटेजेस भी दूंगा, वीडियो इफेक्ट्स भी दूंगा। अब 250 रुपए में चार चीजें आ रही है, ठीक है, तो मैं क्यों ना बोलूंगा, बात समझ रहे हो,
तो इन बातों को ना आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है कि जब आप ओवर कमिट करते हो ना और इमोशनली अकाउंट उसके गोरे के साथ अटैच हो जाते हो, तो फिर गोरा आपके साथ लॉन्ग टर्म चलता है। तो ये वो तमाम वो बातें हैं जो इमोशनली अटैचमेंट क्रिएट कर रही हैं। अच्छा, अब इसके बाद जी मैंने फिर उसके बाद जो सवाल आप लोगों को बताया था, व्हाई यू शुड चूज मी, व्हाई यू शुड चूज मी का जवाब उसने बेशक दिया हुआ है, वी हैव गॉट ऑल द स्टॉक फुटेजेस एंड इफेक्ट्स। क्यों चूज करेगा भाई? क्योंकि मेरे पास एंड गोल है, मेरा जो मेरी इंडस्ट्री का मेरे बिजनेस का गोल है, फेसलेस फेसबुक मार्केटिंग, फेसलेस वीडियो फेसबुक एड मार्केटिंग। बात समझ रहे हो? तो जब आपकी फेसलेस वीडियोस होंगी और आपका अगर ब्रांड रिकॉग्निशन भी आपको मिल रही है, साथ साथ ब्रांड रेवलेंसी भी लोगों को मिल रही है, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, एड देख के परचेजेस कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो उनको ये बात का अंदाजा है कि भाईजान इस बंदे ने किसी मार्केटर को पैसे दिए हैं। और जब मार्केटर तभी पैसा बनाता है जब उसको पता होता है कि ये चीज चल रही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मार्केटर उसी वक्त YouTube से पैसा बनाता है जब उसको पता होता है कि ये बात चल रही है। अच्छा, अब व्हाट आर यू ऑफरिंग, प्रॉब्लम का सलूशन। अब जैसे कि मैंने एक सवाल पिछली वीडियोस में भी आप लोग बताया था, व्हाट आर योर ऑफरिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम का सलूशन। जैसे भाई मुझे फेसलेस वीडियोस चाहिए, तो वो मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं अपने ब्रांड, चाहे मेरा ब्रांड करोड़ों का हो, अरब पतियों का हो, ठीक है, अब जैसे अंबानी के आप लोगों ने देखा होगा सोशल अकाउंट्स नहीं है, अंबानी के बेटों के नहीं है, उनके घर वालों के नहीं नहीं है ना, ठीक है। तो अब जो ज्यादा अपने बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं या एक सेंस में यार नहीं आना चाहते, ठीक है, अब हम मैं भी अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरा भी बिजनेस फ्लोरिश करे, एक्सपैंड हो, तो आई गेस कि यूट्यूब जो है एज एन इनकम सोर्स कभी भी बंदा नहीं देखेगा, ठीक है। ये मैं एक आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ। अभी तो ये है कि हाँ मुझे हर जगह से कुछ ना कुछ चाहिए, हर जगह से कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मैं आप लोग एक जनरल बात कह रहा हूँ, काफी ऐसे लोग होते हैं जो कैमरा शाय भी होते हैं, ठीक है, ये तो चलो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से बता दिया ना। कुछ लोग होते हैं कैमरा शाय होते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, कुछ लोगों को होता है यार ये देख रहा है मेरे पास पता नहीं घड़ी नहीं लगी हुई, तो शायद हो सकता है जो घड़ी पहनता हो वो मुझे यार देख रहा है, सुन रहा है, वो पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में, ठीक है। तो 10,000 साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं और दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल कि यार बंदे को इतनी स्पेस अपने आप को भी देनी चाहिए कि हाँ यार मैं अगर नहीं कर सकता यूट्यूब, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, हर बंदे के लिए हर चीज नहीं बनी, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कारोबार छोड़ देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रांड रिकग्निशन छोड़ देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्स ड्राइव करना छोड़ देगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कोई और अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं प्रपोज करेगा। अब देखो हो क्या रहा है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी उसने उसका सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया, बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है एग्जिट विद एन ओपन कन्वर्सेशन। मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि एग्जिट होना है अपने ओपन कन्वर्सेशन के साथ। अब हम नीचे जाते हैं और एनालाइज करते हैं कि इसने क्या करा है। अच्छा, ऑर्डर द गिग टूडे और मैसेज जस्ट टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट इन मोर डिटेल, ठीक है, ओपन कन्वर्सेशन एग्जिट इसी को कहते हैं कि ऑर्डर दिस गिग टूडे। सबसे पहले उसने CTA दिया, CTA के बाद उसने फॉलो अप दिया है कि आप मैसेज जस्ट डायरेक्ट टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट इन डिटेल। आई गेस आई होप दिस विल बी इनफ कि आपने डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करना है, कैसे करना है। ChatGPT के ऊपर वीडियोस वैसे भी आने वाली हैं, सीरीज आ जाएंगी, नहीं टाइम मिलता, बिजी होता हूँ, और कोई वजह नहीं है, ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब सबसे अच्छी चीज जो मैं कहता हूँ पूरे फाइवर के ऊपर, काफी कम लोगों ने की होती है, वो होती है इंटरनल लिंकिंग, ठीक है, बैक लिंकिंग। इसने अपनी ही पोर्टफोलियो का लिंक दिया हुआ है नीचे, मतलब डिस्क्रिप्शन में अपने पोर्टफोलियो का लिंक दिया हुआ। अब आप सोचो कि कितनी अच्छी बात थी, ठीक है, ये कितनी अच्छी बात थी। अब जिन जिन के पोर्टफोलियोज खुले हुए हैं वो कम से कम अपने पोर्टफोलियो के लिंक्स ऐड कर दें, नहीं ऐड कर सकते, ये क्लिकेबल लिंक्स नहीं होते, कभी क्लिक हो जाते हैं कभी नहीं होते, मैं वैसे देख लेता हूँ, ठीक है, हाँ क्लिकेबल लिंक्स नहीं है ये, तो मतलब ये बस ऐसे एज अ टेक्स्ट आ गए तो आ गए, सॉरी क्लिकेबल लिंक्स नहीं है ये। अब बात आती है FAQs की, आई होप डिस्क्रिप्शन तक आपका सारा क्लियर होगा। अब बात आती है FAQs की। अब FAQ में आपने क्या करना है, FAQ में फिर से आप जाओ अपने कीवर्ड्स देखो, क्या है कीवर्ड्स, आपने शॉर्ट फेसबुक वीडियो एड्स के ऊपर एक कीवर्ड सबसे पहले जनरेट करना है, सबसे पहला कीवर्ड, बल्कि ये सबसे लास्ट कीवर्ड होगा, ठीक है। अब वाई नहीं, बल्कि मैं इसको ना और टारगेट कर देता हूँ,
आर यू फेसिंग इश्यूज इन फेसलेस वीडियो मार्केटिंग? ठीक है, ये मैंने एक डाल दिया। अब फेसबुक वीडियो मार्केटिंग मैंने किया है, हमारा एक कीवर्ड था नहीं था, मैं देख लेता हूँ। हमारे पास फेसबुक एडवर्टाइजिंग था, तो हम आर यू फेसिंग इश्यूज इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग। अच्छा, अब इसको हम कैपिटल लेटर्स में नहीं करते, इसको मैं कहता हूँ कि हम रखते हैं लोअर केस के ऊपर। ठीक है, इसको बल्कि कैपिटलाइज ईच वर्ड्स हमने कर दिया, और इसको अब हम करते हैं लोअर केस के ऊपर, और लोअर केस के बाद कैपिटलाइज ईच कीवर्ड कर दिया। ठीक है, ये आ गया पहला। कंट्रोल सी कंट्रोल वी के ऊपर सारा काम किया है। मैं अभी फिल वक्त वही जो सवाल है वही जवाब दे रहा हूँ। यही सेम सवाल आपने चैट जीपीटी को डालना है, एफएक्यू जनरेट करवा लेना है। उसका कमांड होता है एफएक्यू जनरेशन राइट एफएक्यूज फॉर गिग टाइटल। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना एक एक एफएक्यू को जनरेट करवा के आंसर दे सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर की इंटेंट को मैंने टारगेट कर दिया। ठीक है, गिग डिस्क्रिप्शन से, गिग टाइटल से, गिग कैटेगरी से, गिग थंबनेल से, गिग के टैग से मुझे अंदाजा हो जाता है कि कस्टमर की इंटेंट क्या है। कुछ कीवर्ड होते हैं कन्वर्जेशनल इंटेंट, कुछ होते हैं इंफॉर्मेशनल इंटेंट, और ये सारी ब्लॉगिंग की फील्ड है। मैं आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, ठीक है, अगर मैं टेक्निकल इन डेप्थ डिटेल शुरू कर दी तो ये चैनल कोई नहीं देखेगा। जो मेरे बच्चे कुछ 1700 सब्सक्राइबर हैं, वो भी कभी, मुझे तो नहीं लगता तुम लोग इतने अच्छे हो कि यार कोई एक बंदा ही मुझे कोई बोले सर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए सब्सक्राइबर, और कोई कर दे। ठीक है, क्योंकि यार देखो मुझे ना सब्सक्राइबर्स चाहिए। ठीक है, ये मैंने कह दिया, बस चाहिए तो अब तुम ला के दो। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे। तो अब मसला ये है कि अगर, तो देखो मैं अगर ये करता, अगर मुझे इंटेंट ही क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ जब कोई बंदा फाइवर के ऊपर बिजनेस करता है, वो ये बात को जहन में रखे कि वो क्या चीज़ बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, और कैसे बिकेगी मार्केट में। तो कस्टमर इंटेंट ही जब तक आपको नहीं पता, तो सर वो कैसे बिकेगी मार्केट के अंदर। बात समझ में आ गई, प्रोडक्ट मार्केट फिट मैंने आपको बता दिया कि कैसे मार्केट एनालिसिस करते हैं, कैसे इंटेंट मुझे समझ में आई। आप लोगों के लिए शायद मुश्किल होगा, क्योंकि ओवर द ईयर्स मैंने इस चीज़ को सीखा। जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल ओवर द ईयर सीखते हो, और इन दोनों चीज़ों में नसीब का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कुछ लोग हेलो हाय बोल के ही जो है ऑर्डर्स पकड़ लेते हैं, कुछ लोग जो है बहस और मुबाहसा करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट भी नीचे नहीं आता, सेलर भी नीचे नहीं आता, टर्म्स वॉयलेट हो जाते हैं। ठीक है, और वो नहीं कन्वर्ट होता। तो इसमें भी बहुत सारे लैक्स हैं, लेकिन ये है कि इंसान ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता रहे, सीखता रहे, सीखता रहे। एट द एंड ऑफ द डे याद रखना, जब आप सारे 50 साल 60 साल की उम्र में पहुँचते हो ना, तो सारी चीज़ों को एक कूजे में बंद करके अपने बच्चों को देते हो, और फिर वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो वही सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, कि आप 50 साल में जाके जो सीखते हो उसको कूजे में बंद करके उनके हाथ में पकड़ाते हो, ये एक दिन में तो नहीं आता अम्मी अब्बू को। ठीक है ना, अम्मी अब्बू को पैदा होते ही पता चलता है भाई मेरी इससे शादी होगी, फिर मेरे इतने बच्चे होंगे, और फिर मैं अपने बच्चों को ये जाके बताऊंगा। तो ये इट एवरीथिंग टेक्स टाइम, एक्सपीरियंस बोलता है और मैटर करता है। पहली चीज हो गई। अच्छा, अब तुम चाहते तो इसको पहला भी एफएक्यू बना लो, नहीं चाहते तो कोई भी बना लो। अच्छा, अब क्या होगा जी, अब मैं जाता हूँ एफएक्यू जनरेशन का कमांड चैट जीपीटी पे देता हूँ, वहां से भी आ जाएंगे। नहीं समझ में आता अपने कॉम्पिटिटर के पास फिर जाओ, कॉम्पिटिटर का बोलो बेटा तूने क्या क्या लिखा हुआ है, डू यू ऑफर रिविजन कॉपी। अच्छा, ये मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट। ठीक है, इतना आसान तो है यार, रोजाना के तुम लोग जो है ये वाला काम अगर पकड़ो तो कितने बना सकते हो, रोजाना अगर तुम्हें काम आएगा कितने बना सकते हो। अगर मैंने आज दिन के 250 बनाए, रोजाना काम आएगा महीने के कितने हो गए, 3 × 250 विच इज 3 × 5 = 15 होते हैं, एंड 1 उधर कैरी हो जाता है, 3 × 2 = 6 = 75, 7500 कुछ इतना ही बनता है आई गेस, या $750 बनते हैं, नहीं 7500 बनते हैं, 30 दिन भी तो है ना एक महीने के अंदर, तो मतलब $7500 की आपको मैं स्कीम सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्कीम ये है कि तुमने पता है क्या करना है, सारे ये एफएक्यू है कॉपी किया, इसका आंसर कॉपी किया। ठीक है, और अपनी गिग के ऊपर गए और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अपडेट कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, बस। जैसे ही तुम इस गिग को पब्लिश करोगे ना, अगर तुमने मेरे एफएक्यूज कॉपी पेस्ट किए होंगे, ठक करके तुम्हारा अकाउंट बैन। अब मसला ये है कि देखो, अब इधर ही तो सारी चीजें आ जाती है जो मैं तुम्हें टेक्निकलिटी समझाना चाह रहा हूं।
अभी मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, डेली का ऑर्डर आएगा, डेली का ऑर्डर कितने का आएगा, $250 का, क्योंकि बेसिक पैकेज है, $250 का डेली का ऑर्डर, महीने में मैंने कितने कमाए, $7,500। बात समझ में आ रही है, कितना मैंने आपको अच्छा ख्वाब दिखाया, लेकिन आपका अकाउंट ही बैन हो गया, क्यों हुआ वो भी बताता हूं। अच्छा, सीन ये है, FAQs के ऊपर, FAQ तुम कॉपी कर सकते हो, आंसर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आंसर्स कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ऑर्डर को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, डू यू ऑफर रिविजन, उसके बाद वॉट एग्जैक्टली और आर यू ऑफरिंग, वेयर कैन आई यूज, ये जिस ऑर्डर में दिए हुए इसको भी तुम सेम ऑर्डर में कॉपी नहीं कर सकते। पहले ये उठाओ, नीचे से एक उठा लो, नीचे से एक उठा लो, फिर कोई उठा लो, फिर कोई उठा लो, सारे लिख लो, लेकिन सेम ऑर्डर में होंगे, पता चल जाएगा कि कॉपी हुई है और बैन हो सकता है अकाउंट। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसी को फॉलो करोगे तो बैन नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं अगर तुम फाइवर पे सस्टेन करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि भाई जब आती है ना तो वो फिर अकाउंट, अभी हमने देखे फ्लैग्ड हुए हैं और बैन हुए हैं, फिर जब मैं कहता हूँ कि आपने क्या किया था, जी सर वो FAQs उस भाई के थे, मैंने कहा उस पर ऑर्डर आए हैं, तो मैंने कहा FAQs आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, अब जब FAQs कॉपी पेस्ट हो गए तो अकाउंट फ्लैग हो गया, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ केसेस में आप बच जाओगे, जिसको रिपोर्ट करना नहीं आता होगा उससे आप बच जाओगे, जिसको रिपोर्ट करना आता होगा और ठक करके रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और वो प्रूफ देगा कि ये इस तरीके से उसने जवाब दिए हुए, जवाब भी मेरे सेम है, ऑर्डर भी सेम है। बात समझ में आ रही है। तो ब्लॉगिंग के फील्ड में भी यही होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट, जब आप टेबल्स बनाते हो तो उसमें आप ऑर्डर्स मैनिपुलेट करते हो, और जब आप FAQs का सेक्शन जो ब्लॉग्स में भी आता है उसके भी ऑर्डर्स को चेंज करते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे FAQs नहीं चेंज होते, FAQs आपको ट्रैफिक लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब ये जो FAQ का सेक्शन है, ये आप कॉपी, सिर्फ सवाल कॉपी करोगे, आंसर कॉपी नहीं करोगे, आंसर आप लिखवाओगे ChatGPT से, ठीक है, उधर एक कमांड दोगे राइट इन ह्यूमन टोन, ह्यूमन टोन के बाद आंसर दिस FAQ, ठीक है, कॉमा डाल के आंसर दिस FAQ, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, FAQ पेस्ट, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कोई मसले वाली बात नहीं है, नहीं समझ में आया कमांड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, नहीं मिलता व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना, क्योंकि तुम्हारे सामने नींद आई, आधी वीडियो में नींद आ रही थी। अच्छा, FAQs भी हो गए, क्लियर हो गया, मुझे लगता है अब हमें आगे चलना चाहिए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको अपडेट कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, आगे चले जाते हैं, ऐड न्यू क्वेश्चन। भाई अगर तो तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती, ChatGPT से ही पूछ लो कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं क्लाइंट की, जो ChatGPT देते हो तुम यहाँ लिख दो, नहीं मुझे पता है वीडियो ऐड आपको कॉम्पिटिटर वीडियो, ठीक है, और कॉम्पिटिटर्स वीडियो और कॉम्पिटिटर का स्टोर भी चाहिए होगा, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल चाहिए होंगे मुझे, लोगो चाहिए होगा, फॉन्ट स्टाइल चाहिए होंगे, और क्या ज़रूरत होती है, आई गेस कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, वैसे कलर कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं लोगो से ही पिक करके पूरी पूरी वीडियो बना लेता हूँ, भाई लोगो मेन चीज़ होती है आपकी, लोगो ही आपके ब्रांड की जान शान है, ठीक है, अगर आपके लोगो में 3 से 4 कलर हैं तो आपकी पूरी वेबसाइट पे 3 से 4 कलर होने चाहिए, पूरी वीडियो में 3 से 4 कलर होने चाहिए, क्योंकि वो ब्रांड कंसिस्टेंसी है। फॉन्ट अगर आप पॉपिंस यूज़ करते हो, पूरी वीडियो के जितने भी कैप्शन आ रहे हैं सारे पॉपिंस के होने चाहिए, ये डिजाइनिंग निश के ऊपर जितना मैं कमांड रखता हूँ उस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ। अच्छा, अब हमारी बात आ गई है गिग थंबनेल के ऊपर, ठीक है, गिग थंबनेल है, गिग थंबनेल के ऊपर मैंने आप लोगों को पहले बात समझाई थी, मैंने पहले से ही बनाया हुआ है गिग थंबनेल, ठीक है, लोगों के पास इसका एक्सेस इस वक्त अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि मुझे इसका कोई ना कोई बैकअप बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला जो मैंने डिज़ाइन दी थी उसका एक्सेस मेरे पास खुद नहीं है, वो डिज़ाइन मैंने खुद बनाई है, उसी का एक्सेस मेरे पास नहीं है, तो तुम गंदे बच्चे हो सारे, इस वजह से मुझे थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये है, दोबारा से मेहनत ना करूँ तो बेहतर है, लेकिन चलो अब आप लोग कहते हो कि सर मुझे पूरा सिखाएं, हाथ पकड़े हमारे, तो चलें आपके हाथ पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, तो ये आ गया क्रिएट। अच्छा, अब वही बात आ गई है कि हमें अपना टाइटल ट्रेंडी टी शर्ट डिज़ाइन है ना, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो एड्स, क्रिएट शॉर्ट वीडियो एड्स तक ही मैं इसको कॉपी कर पाऊँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, इसका हम पहले लॉक खोलते हैं, लॉक करने के ये आ गया क्रिएट शॉर्ट। अच्छा ठीक है, अब क्या मसला है, ये नीचे चला गया, एक मिनट हम इसके ऊपर काम करेंगे, बल्कि हमारा ये वर्ल्ड वाइड है, इसको ख़त्म करते हैं, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, और
क्लियर हो गया होगा आई गेस। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। ठीक है, हाँ तो अब इतना बड़ा टाइटल था, इतना सा कर दिया, अच्छा भी लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। ठीक है, कलर्स मुझे थोड़े से नहीं अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वेक्टर के साथ नहीं मिल रहे, तो मैं पता क्या करूंगा, अब मैं ढूंढूंगा कलर्स। कलर्स ढूंढने के लिए हम पहले जाएंगे इसके ऊपर, पिक करेंगे कलर्स यहाँ से। ठीक है, अच्छी, देखो चीज़ अच्छी है भाई की, बस कलर कॉम्बिनेशन भाई ने अच्छे बनाए होते, बस ये कुछ गंदे बच्चे हैं ना उनके ऐसे में रह जाता हूँ। देखो हा, सिर्फ दो कलर डाले और पूरी इमेज में जान आ गई, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से सारी जो चीज़ें होती हैं बंदा करता है। अच्छा, ये जो ब्लैक है, ब्लैक को अगर मैं ऑरेंज करता हूँ, नहीं 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 नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। ऑर्डर नाउ के लिए यही अच्छा लगेगा। रेड की जगह अगर मैं ब्लू यूज़ करूँ, नहीं बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, दिस शुड बी वाइट। अच्छा, अब मुझे लगता है कि यार इसको ना थोड़ा सा हमें कोई दूसरा बटन ही लगा लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा टाइटल ही अगर नहीं शो हो रहा तो फिर गिग पे इम्प्रेशन किस बात का आएगा, गिग पे तो इम्प्रेशन ही टाइटल का है ना भाई, तो टाइटल तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही कुछ नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और ऐसे बड़ा करते हैं, इसको हम उठा के यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक हो गया। आई होप समझ में आ गई होगा किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं। इसके बाद मैंने टाइटल के बाद जो दूसरी चीज आप लोगों को बताई थी वो थी टाइटल के बाद टेल मी अबाउट द केक। तो उसमें पता क्या था, सर्विसेज क्या दे रहे हो आप। तो सर्विसेज अब हम देखते हैं कि भाई क्या दे रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग है, वॉइस ओवर है, ठीक है, फाइंड हाई क्वालिटी। तो अब पता क्या करूँगा, मैं जाऊँगा दोबारा से इसी के ऊपर। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटिंग इंक्लूडेड है, बाकी सारा उड़ा दो। वॉइस ओवर इंक्लूडेड है, ठीक है, अच्छा हाई क्वालिटी स्टॉक फुटेजेस हैं, ठीक है, कोई लंबी हमने करनी ही नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं और क्या भाई दे रहे हैं हमारे पास। फुल HD एंड 4K वर्जन फॉर बिगर स्क्रीन। अच्छा, अब ये है हमारा, देखो ये है हमारा 4K वर्जन, ठीक है। अब इसके बाद 4K वर्जन्स के बाद इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद वो कह रहे हैं 7-second हुक फॉर्मूला, ठीक है, 7-second हुक फॉर्मूला। तो ये लो 7-second हुक फॉर्मूला। अच्छा, अब आप लोगों के बात समझ में आ रही होगी कि हमने किस तरीके से मैंने पॉइंट्स थे जो मेरे गिग में इंक्लूडेड थे वो भी डाल दिए हैं, टाइटल को भी शॉर्ट करके बना दिया है, लगा दिया है, और साथ ही साथ वो जो मेरा वेक्टर है वो भी अब उसमें भी थोड़ी सी चमक आ गई है। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आई गेस दिस इज क्लियर्ड फॉर नाउ। अब इसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने बनानी है वीडियो। वीडियो पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने याद रखना है वेलकम टू आवर ऑफिशियल अकाउंट। अच्छा, अब सबसे पहले जैसे कि ये हम लोगों ने कलर्स को चूज किए थे, इसके कलर्स तुम चूज कर सकते हो, दूसरे भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक अच्छा कलर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है ये मुझे लगता है थोड़ा सा ब्लूइश अगर हो जाए, ठीक है, और इसके अलावा जो ये है ये
ये ब्लूइश की जगह हमारे पास थोड़ा सा अगर ये लाइट ब्लू सा हो जाए, ठीक है, ये हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरी एड्स, या अगर मैं कहता हूँ वेलकम टू, नहीं इसको थोड़ा सा चैट जीपीटी से जनरेट करवाना पड़ेगा, वेलकम तो बहुत बुरा लग रहा है। टाइटल वेक्टर टेल अबाउट सर्विसेज, उसके बाद कस्टम ऑफर, अच्छा वेलकम टू तुम्हारा यूजर नेम कर दो, तो जैसे मैं रख देता हूँ ब्लू बर्ड, वेलकम टू ब्लू बर्ड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जाते हैं टी शर्ट डिजाइन सर्विस, टी शर्ट डिजाइन सर्विस हमारी नहीं है सर, हमारी है फेसबुक वीडियो एड सर्विस, ठीक है। शॉर्ट फेसबुक के ऊपर जो है मसला बन रहा है, कोई बात नहीं, ये ओके हो गया। अच्छा अब जरा इसको करो और छोटा, अच्छा ये आ गया, अच्छा ये आ गया ऑरेंज, ऑरेंज को मैं ब्लू कर देता हूँ, और ये जो है इधर ब्लू, इधर वाइट, ऑरेंज की जगह ब्लैक, और ठीक है यही सेम कॉम्बिनेशन ब्लू ब्लू वाइट एंड डार्क, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग ये काम कर सकते हो। अब ये जो है वेक्टर है तो इसका कलर नहीं चेंज होगा, सर्विस 24/7 है, लिखना चाहो नहीं देना चाहो ना देना चाहो, मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा ये सब चीज़ें तो पुरानी वीडियो में कवर की थी, इसमें इमोशनल कंटेंट, इमोशनल कंटेंट मैंने तुम्हें बताया था कोई चीज़ है, इमोशनल कंटेंट इधर हम जाते हैं, इमोशन इमोशनल देखते हैं क्या आता है हमारे पास। आई फील स्केयर्ड, अच्छा अब मैं जब गिग बना रहा था तो वहाँ पे ना एक डिस्क्रिप्शन में हमने पॉइंट देखा था, ये रहा, वी आर परफेक्शनिस्ट, ठीक है वी आर परफेक्शनिस्ट, ये हम आई हाय गंदा, वी आर परफेक्शनिस्ट और वी आर परफेक्शनिस्ट के बाद उसने दूसरी लाइन लिखी थी, We are here to support you 24/7. अच्छा अब ये थोड़ा सा डरा हुआ है, इसको ना मैं चेंज करता हूँ, एड एज न्यू पेज, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है क्लियर हो गया किस तरीके से मैंने एक इमोशन क्रिएट किया। ब्रांड कलर्स मेरे रेजोनेट करने चाहिए, इस वजह से इसको मैं वाइट करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू कर दूंगा, और इसके जो फेशियल कलर है वो अगर हम ब्लैक करते हैं, और कलर ये जो कलर है उसको थोड़ा सा वाइट कर दें तो पीच कर दें तो हाय हाय, रेड में तो बहुत ही शैतान लग रहा है, ठीक है ब्लैक कर दें, नहीं वही पीच सही है, लेकिन ये जो है फिर अच्छा, ये कलर इस कपड़ों का है, कपड़ों में ब्लू कर देते हैं कैसा, ठीक है आई गेस थोड़ा सा तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब मैंने इसके ऊपर भी चेक लगा दिया, पोर्टफोलियो विद सक्सेस रिजल्ट्स, पोर्टफोलियो विद सक्सेस रिजल्ट्स, अब हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस की बात करता हूँ मैं, सक्सेस 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 सक्सेस, अच्छा यहाँ पे तुम लोग अब पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के ऊपर भी अगर मैं देखूँ एलिमेंट्स पोर्टफोलियो,
अगर देखूं क्या देता है मुझे, कुछ मेरे पास आ जाती है चीज या नहीं। वीडियोस हा हा हा, क्या ट्रांजिशन मिल गई है मुझे। रुको, ये ट्रांजिशन डालो तो मेरे कलर्स के साथ रेजोनेट भी कर रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो दे देंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा जो रॉकेट है, रॉकेट को मैं ले आता हूँ नीचे। ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें, ये भी नहीं चाहिए। अब ये जो पोर्टफोलियो है इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर ऐसे रॉकेट को, और यहाँ पे तुम अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हो। पोर्टफोलियो भी हो गया। पोर्टफोलियो होने के बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पे थैंक्स एंडिंग वीडियो, एंडिंग वीडियो में अगर मैं जाऊँ डिज़ाइन के ऊपर, एंडिंग वीडियो, एंडिंग एंडिंग वीडियो, मुझे लगता है मेरा नेट जो है वो स्लो हो चुका है। और अच्छा ये भी आएगा, सही है। ठीक है, अब ये दी एंड है, इफ अगर दी एंड, या एक और भी है मेरे पास, ये भी अच्छा है। अच्छा अब मैंने क्या करना है, ओ हो 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 हो, मजा आ गया भाई, ये फॉन्ट देख के मजा आ गया। ठीक है, एक ये भी अच्छा फॉन्ट है, एक जो मैंने लास्ट में जो मैंने चूज किया है, मुझे लग रहा है ये ही मेरे ब्रांड के साथ जाएगा बेहतरीन करके। ठीक है, इसके बाद हमने एंडिंग भी कर दी। एंडिंग में अगर मुझे लगता है मैं शायद एक चीज इमोशनल कंटेंट भी डाल दिया, कस्टम टेल अबाउट दी सर्विस। अच्छा इसका तो तुम लोगों को पता होगा मैंने कैसे किस तरीके से ये बनाई थी। ठीक है, अगर तो नहीं पता, एक घंटे वाली जो वीडियो है उसको देख लो, पूरा देखो एंड तक, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा ये वीडियो कैसे बनती है। ठीक है, दोबारा से एक चीज अभी फिल वक्त नहीं कर सकता, मैं आधा सो चुका हूँ आप लोगों के साथ बात करते करते। ठीक है, क्योंकि यार थका हुआ बहुत हूँ। अच्छा अब इसके बाद आपने करना है इसको एक्सपोर्ट। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो जाएगा। क्वालिटी हम दे देते हैं इसको अच्छी से अच्छी, ओरिजिनल है ना, तो ओरिजिनल पे अगर मैं अच्छी क्वालिटी कर दूँ, फॉर स्ट्रीमिंग, फॉर सोशल मीडिया, चलो ये करके देखते हैं। अच्छा अब आप लोग, अब देखो ये एक फ्रंट एंड आप लोगों को वीडियो का साथ साथ शो कर रहा होगा, वो देखो फेसबुक वीडियो एड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये देखो ये ट्रांजिशंस आ गए। ठीक है, इसके बाद ये हमारे रिव्यूज़ आ गए, रिव्यूज़ के बाद हमने उसको CTA भी दिया है कि यार क्विक टर्न अराउंड है। उसके बाद हमने कहा वी आर परफेक्शनिस्ट, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू 24/7। ठीक है, इमोशन दे दिया कि यार क्लाइंट हैप्पी हैप्पी है, थोड़ा सा शायद मतलब वो थोड़ा सा शर्मा भी रह लेते हुए, तो ये थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो गई, कैसा भी एक्सप्रेशन दे दो तुम लोग। अब ये मेन चीज़ जो है ना वो पोर्टफोलियो का, ओए होए क्या ट्रांजिशन है पोर्टफोलियो की। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये रॉकेट, यहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो लगाता हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ दी एंड, बात क्लियर हो गई। तो हमने ये 5 से 6 चीज़ों का आपने भी ख्याल रखना है। वंस आप लोग ये सारी चीज़ों का ख्याल करते हो तो आपका जो मसला है वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मेरे पास प्रीमियर प्रो CC रखा हुआ है। अच्छा अब जो आपकी वीडियो आएगी वो फॉर ऑब्वियस रीजंस उसकी SEO आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि थंबनेल का, अच्छा थंबनेल के ऊपर भी काफ़ी इश्यूज हैं, ये मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दे देता हूँ एक थंबनेल। जैसे ये देखो डाउनलोड किया, अब मैं गया यहाँ से JPEG के ऊपर, और बल्कि नहीं, लोग क्या करते हैं ये स्टैंडर्ड डिफॉल्ट होता है PNG के ऊपर। ठीक है, PNG के ऊपर करता हूँ इसे, उसके बाद एक करता हूँ मैं JPEG के ऊपर। अब आप लोगों को मैं दोनों का फ़र्क बताऊँगा, क्योंकि इमेज की SEO होनी है। ठीक है, अभी तो अब हम देखते हैं, जाते हैं। अच्छा अब हमारे पास ये आ गया है ऑफ पेज SEO। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड्स में आ गया सब। कंट्रोल X करता हूँ, डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। डेस्कटॉप पे लाने के बाद इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल करता हूँ सारों को। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हमारे पास देखो ये क्या आ रहा है, PNG आ गए, क्या आ गए, PNG आ गए। अच्छा अब मैंने आप लोगों को कीवर्ड्स दिए थे, अब हम इसकी SEO करते हैं इमेज की। इमेज अपलोड करने से पहले होगी इसकी SEO। टाइटल था, टाइटल राइट क्लिक किया, रीनेम पे गया, सबसे पहले रीनेम कर दिया। अच्छा ये क्या है, PNG है। PNG को प्रॉपर्टीज खोल के दिखा देता हूँ, डिटेल्स में जाता हूँ।
अब देखो यहाँ पे जो मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ वो नहीं आ रही, बात क्लियर हो गई। तो PNG के ऊपर ये नहीं शो होती। PNG के बाद वेराज अगर मैं JPEG पे जाता हूँ, ये रहा JPEG और रीनेम किया, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ठीक है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गया, डिटेल्स पे गया, मसला आप लोगों का हल भी कर दिया, ठीक है। टैग्स, टैग्स की जगह भाई, अच्छा टैग्स के ऊपर ना आपने सेमी कॉलन यूज करना है हर टैग के बाद, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी के बाद टैग में जाके कंट्रोल वी पेस्ट मार दो, जान छुड़ाओ, क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो क्या क्या ऐड कर लिया हमने, टाइटल ऐड किया था, टाइटल ऐड नहीं हुआ, इसको दोबारा से कंट्रोल सी कॉपी करो, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, ओके कर दो, ठीक है। दोबारा से जाओ प्रॉपर्टीज के ऊपर, देखो टाइटल सही हो गया, ठीक है। टाइटल, सब्जेक्ट, रेटिंग जो मर्जी करना है, ऑथर में जाके अपना यूजर नेम फाइवर का डाल दो, जैसे मैं फाइवर कर देता हूँ फिल वक्त, क्योंकि मुझे अभी वो हिना नाम है, पता नहीं मुझे याद नहीं है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इमेज एसईओ का मसला मैंने आपका हल कर दिया, फाइवर पे जाऊंगा, गैलरी पे जाऊंगा, गैलरी के बाद जाके यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे जाने के बाद ऑफिस एसईओ पे जाऊंगा, इधर जेपैग है, जेपैग को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद वीडियो का इशू ये है कि यार पहले आप लोग बनाओगे ओपन प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, न्यू पे जाओ, प्रोजेक्ट पे जाओ, ठीक है, प्रोजेक्ट के बाद ओके कर दो अनटाइटल्ड। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वो जो वीडियो थी, वीडियो को आपने उठाना है, ये वाली को, ठीक है, इंपोर्ट किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, सीक्वेंस पे जाता हूँ, सीक्वेंस सेटिंग पे जाता हूँ, अब यहाँ से सीक्वेंस को बदल दें 1920x1080 कर देता हूँ, अगर जिस फाइबर पे जो भी आपका एक्सपेक्ट रेशियो उस हिसाब से कर दो, ओके करो। अब ये थोड़ी छोटी हो गई तो इसको आप स्केल टू फ्रेम साइज कर दो, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, इफेक्ट कंट्रोल पे जाओ, यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन होता है, अभी भी इफेक्ट कंट्रोल आपके पास नहीं नज़र आ रहा, विंडो पे जाके यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल्स को क्लिक कर दो, चेक कर दो, शिफ्ट 5 दबा दो, जो भी है, नहीं समझ में आ रहा, हाँ। इसके बाद पता है क्या करो, एडिटिंग पे जाओ, ठीक है, या किसी के ऊपर भी जाओ, यहाँ पे ऊपर तुम्हें ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, देखो ऑल पैनल मेटा लॉगिंग, पता नहीं यहाँ पे तुम्हें एडिटिंग नहीं शो हो रहा, साइड पे जाओ एडिटिंग शो होगा, राइट क्लिक करो, रीसेट टू सेव लेआउट कर दो, रीसेट टू सेव लेआउट। अब ये क्या होता है, ये आपके स्टैंडर्ड के ऊपर ले गया दोबारा से, ठीक है, मतलब जो भी आपकी पुरानी चीज़ें थी वो आ गई। अच्छा, अब इसमें एक और ऑप्शन आ जाएगा, जब आप रीसेट टू सेव लेआउट करोगे, मेटा डेटा का एक ऑप्शन आ जाएगा। मेटा डेटा का क्या मतलब है, जो मैं एसईओ करता हूँ वीडियो को सेव करते वक्त, वो यहाँ पे हो जाएगी साथ ही साथ। यहाँ पे तुमने मेटा डेटा डाल दिया, लेबल को छोड़ो, मीडिया टाइप भी छोड़ो, ठीक है, ये हमने नाम डाल दिया, फाइल पार्ट डाल दिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल दो, टाइटल भी, टेप नेम भी होगा वो भी डाल दो, ऑडियो इन्फो, मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारे साथ एडिट होने का चांस तुम्हें नज़र आ रहा है कमेंट में भी डाल दो, लॉग नोट भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं, गुड है, ठीक है, गुड होने के बाद कोई सीन सून नहीं ऐड करना हमने, बात क्लियर हो गई, मेटा हमने इसका क्लियर कर दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, अच्छा ये तुम्हारे पास ना बड़ी सारी चीज़ें आएंगी यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ना तुम्हारे पास जो मेटा डेटा होता है ना, इसमें एक होता है फाइल, फाइल में देखो जैसे कि फाइल प्रॉपर्टीज़ जो हम चेंज करते हैं, ये आ गया वो फाइल प्रॉपर्टीज़, ये चेंज नहीं होगी। डुबलिन कोर है, कॉन्ट्रीब्यूटर है, ये वो बेसिक है, बेसिक के अंदर एडवाइजरी है, URL है, क्रिएटर टूल है, बेस URL है, लेबल है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे जी, यहाँ पे आपको ये एक इमेज मिल रही होगी, ठीक है, और बल्कि ये आपकी वो होगी, एक्सपोर्ट मीडिया पे जाओ, एक्सपोर्ट मीडिया पे जाने के बाद मेटा डेटा है, मेटा डेटा से यहाँ पे तुम बेसिक में जाओगे, बेसिक में एडवाइजरी जो करना है, डेबल कोर जो भी करना चाह रहे हो वो कर दो, ठीक है, राइट्स मैनेजमेंट को अपने ऊपर सर्टिफिकेट कर दो, राइट्स मैनेज कर दो ताकि कोई वीडियो तुम्हारी कॉपी ना कर सके, और फिर फोटोशॉप, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो जितना तुम इस चीज़ को ऊपर काम करोगे, अपने यूज़र नेम्स को सही से तरीके से डालोगे, उतना आप लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। कट देने के बाद जब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हो तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो रही है। इतने में मैं आप लोगों से यहाँ पे कुछ बात कर लेता हूँ। होता ये है कि अब ये जो PDF है, अच्छा अब PDF में आप अपना क्या कर सकते हो, पोर्टफोलियो डाल सकते हो। पोर्टफोलियो कैसे लगाओगे, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास इमेजेस हैं, मैंने पोर्टफोलियो की इमेजेस ली हुई थी, मैंने इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल ए सेलेक्ट करके ये तो यार कंट्रोल टी किया था मैंने ट्रांसफॉर्म के लिए वो, लेकिन फोटोशॉप पे होता है सिर्फ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिसाइज करता हूँ और
रिसाइज करने के बाद एक काम करते हैं हम लोग। अच्छा, रिसाइज करने के बाद एक काम ये हो गया कि कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ, तो उससे भी फॉर्मेट पेंट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यार ये थोड़ा सा वर्ड चार्ट जो है ना, मुझे इतना कोई खास लेवल पे नहीं आता, क्योंकि इतना ही काम लिया जितना इससे हो सकता है, इससे जैसे असाइनमेंट ही बनाएगा। अच्छा, अब आप लोग इसका ना एक कोलाज बना सकते हो पिक्चर्स का। करना क्या है, एसईओ कैसे करनी है, कॉपी करो। ठीक है, यहाँ पे एक आता है, ये क्या आपने ये करा, इसको आपने कर देना हेडिंग वन, हेडिंग वन करके सेंटर लाइन कर देना, हेडिंग वन करके सेंटर लाइन कर देना। ठीक है, अभी आप समझो मैंने बहुत सारे कोलाज बना लिए अच्छे से, मतलब अगर मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर दूं तो हमें ये अभी फिल वक्त नहीं चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास थी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, एक पेज के ऊपर अच्छी खासी जो इमेजेस थी वो आ गई हैं, तो अब इससे ज़्यादा पता नहीं वो क्यों नहीं आ रही। अच्छा, ये हो गया, अब आपने ऐसे लगा दिया, अपना पोर्टफोलियो शो कर दिया। पोर्टफोलियो के बाद जहाँ पे पोर्टफोलियो ख़त्म हो वहाँ पर भी जाओ और यहाँ पे इस H1 को ना H2 कर दो। ठीक है, सेम कीवर्ड को आपने क्या कर दिया, H2 सेंटर अलाइन कर दिया। क्या करा है मैंने, H1 हेडिंग का पहला टैग होता है और H2 आपकी लास्ट हेडिंग होगी, तो क्लियर हो गई। एंड में आपने ये करना है, फर्स्ट पे करना है, इसको फाइल पे जाओ, फाइल पे जाने के बाद सेव एज करो, सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप पे आओ, डेस्कटॉप पे कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करने के बाद सेव मार दो, सेव मारने के बाद जाओ पीडीएफ के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर जाओ, पीडीएफ खोलो, यहाँ से पीडीएफ को अपलोड मारो। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यार मैंने देखो पीडीएफ नहीं सेव किया, फाइल सेव एज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे कर दो पीडीएफ, पीडीएफ करने के बाद ये हमारा सेव, ब्राउज करवाया, ब्राउज करवाने के बाद यहाँ पे गया मैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पे मैं दोबारा से पीडीएफ नहीं आई है, एक मिनट, फाइल सेव एज डेस्कटॉप हो जानी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रही, मैं नींद में काफ़ी हूँ अब। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे आ गई है मेरे हिसाब से, डेस्कटॉप पे आ गई है ये। ठीक है, डेस्कटॉप पे आ गई है, मैंने अपलोड भी कर दी है, अब हमारे पास वीडियो भी एक्सपोर्ट हो गई है, तो एक्सपोर्ट हुई भी वीडियो ये रही। इसको मैं रीनेम करता हूँ पहले, तो रीनेम करने के बाद प्रॉपर्टीज़ खोलूँगा, तो आप देखोगे कि आपके पास तमाम चीज़ें आ जाएंगी, टाइटल आ रहा है, सब टाइटल आ रहा है, टैग्स आ रहे हैं, तो अब ये तुम्हारा वही जेपैग वाला हिसाब बन जाएगा। इसको भी ऑप्टिमाइजेशन करो, इसकी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद वीडियो को अपलोड कर दो। आई होप यू हैव इंजॉयड दिस 1 आवर सेशन, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बस मेरी बस हुई पड़ी है, अब मैं जाऊँगा, जाके सोऊँगा। थोड़ा सा कॉन्टेंट लेट आता है, लेकिन मेरे पास ऑनेस्टली टाइम नहीं है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपकी फरमाइश वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।